हाय गाइस, सुमान भट्टाचार्य और इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के बारे में। अगर वो D9 में आपका कर्क लगन हो, नवमसा चार्ट में अगर कर्क लगन राइज हो रहा हो, चंद्रमा से रूल नवमसा अगर आपके लगन में हो, तो हम देखते हैं कि आप दिखने में काफ़ी अच्छे होते हो, ठीक है, और काफ़ी ब्राइट अपीयरेंस आपका हो सकता है, और काफ़ी आप ऊपर से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो जैसे भी दिखे, आप अंदर से काफ़ी इमोशनल भी होते हो, ठीक है, और एक केयरिंग नेचर भी आप में देखा जाता है जब लाइफ वेट टाइम आप इसको देख पाते हो, ठीक है, और आप एक राइटियस अप्रोच रखते हो, और दूसरों को केयर करना, अच्छी ज़िंदगी बिताना आपको पसंद है, रिसोर्सेज आपके पास काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मदद, या मदद भी नहीं बोलूँगा, आप अच्छी फैमिली में जन्मे हुए हो सकते हो, उस वजह से आपको कभी भी शायद किसी चीज़ की कमी ना हो, डिपेंडिंग ऑन अदर प्लैनेट्स, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि कर्क लगन रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी ब्लेस्ड होता है। तो अब ये लगन जब राइज हो रहा है आपके नवमसा चार्ट में, जो हम मैरिज के साथ रिलेट करते हैं, तो हम क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इमोशनल डेप्थ आप में काफ़ी होगी, तो आपकी जो इमोशंस होंगे वो काफ़ी डीप होंगे, किसी को लेके भी आप सोचते हो बहुत डीप तरीके से सोचोगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही सोचा, बहुत ही भावनात्मक रूप से अपने जो भी आप किसी का कुछ भी आप करना चाहो तो काफ़ी भावनात्मक रूप से आप उसके साथ जुड़ जाते हो, ठीक है, आप में एक नर्चरिंग नेचर होता है, तो एक मदर की तरह केयर करना और नर्चरिंग नेचर डेवलप हो सकता है विद टाइम, और स्पेशली आफ्टर मैरिज आप अपने स्पाउस की काफ़ी केयर कर सकते हो लाइक ए मदर, ठीक है, और फैमिली ओरिएंटेशन आप में होता है और डेवलप हो जाता है विद टाइम, इन मैरिज आप सिर्फ अपने हस्बैंड का नहीं, अपने हस्बैंड की फैमिली का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हो, ठीक है, आप में वैसे भी जो कर्क है वो फोर्थ साइन है, तो आप में मदरली इंस्टिंक्ट, जो माँ का एक प्रेम होता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है, तो आप नेचुरली एक मदर टाइप का नेचर प्रोसेस करते हो, चाहे वो किसी के साथ भी डील करो आप, ठीक है, तो वो विद टाइम काफ़ी विजिबल हो जाएगा, स्पेशली आफ्टर मैरिज वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो नेगेटिव साइड है वो है, क्योंकि चंद्रमा बढ़ता है घटता है, और चंद्रमा अगर वीक हो जाए तो थोड़ा डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है, मेंटल इश्यूज़ आफ्टर मैरिज, पोस्ट मैरिज और विद टाइम आपको डेवलप हो सकते हैं, तो मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आप बहुत अटैच हो जाते हो लोगों के साथ, ऐसे मैंने कहा, सिर्फ अपने अपने लोगों के साथ नहीं, किसी के साथ भी आप जुड़ सकते हो कभी भी, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो मूड स्विंग्स पे भी आपको काबू करने की ज़रूरत पड़ती है, मूड स्विंग्स आपके बहुत हो सकते हैं, तो अभी आप कुछ शांत बैठे थे, अभी फिर गुस्सा कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ये ऊपर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, मेंटल बैलेंस आप खो सकते हो अगर चंद्रमा वीक हो आपके चार्ट में, ठीक है, और मूड स्विंग्स हो गया, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, आप देखोगे कि आप चंद्रमा से डोमिनेटेड हो तो आपकी इमेजिनेशन पावर विद टाइम आफ्टर मैरिज पोस्ट मैरिज बहुत काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो आपने इंट्यूशन से, साइकिक पावर्स भी आप में बढ़ेंगी विद टाइम, ठीक है, तो इंट्यूशन से आप लोगे तो ज़्यादा आप देखोगे कि सफल हो रहे हो, या अगर लॉजिकल डिसीजन ले भी रहे हो उसको आप अपने इंट्यूशन के साथ एक टैली करके देखोगे, तो अगर इंट्यूटिवली आपको अच्छा लग रहा है कि सही होगा काम, तो आप ज़रूर उस डिसीजन से के साथ जुड़े रहोगे या वो डिसीजन लोगे, ठीक है, आपको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, तो सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मैरिज आप किसी भी प्रकार के ऐसे एटमोसफेयर में नहीं रह सकते हो जहाँ पर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ना हो, तो आपको फिर आप वैसे भी खुद भी आप इतने मूड ऊपर नीचे होता रहता है आपको, तो अगर स्टेबल ना हो एटमॉस्फेयर तो फिर आप सोच ही सकते हो, मेंटली भी आपको ये बहुत अच्छा नहीं रखेगा, ठीक है, आप काफ़ी एम्पथी और कंपैशन रखते हो दूसरों के प्रति, तो एम्पथी आप में ज़्यादा बढ़ जाएगी विद टाइम, और पोस्ट मैरिज आप ज़्यादा कंपैशनेट दिखोगे, ठीक है, हो जाओगे, और आपकी जो रुचि है ना, क्योंकि चंद्रमा हम किससे किससे रिलेट करते हैं, ट्रैवल के साथ रिलेट करते हैं, हम चंद्रमा को फूड के साथ रिलेट करते हैं, हम चंद्रमा को कैश फ्लो के साथ भी
करते हैं, मदर के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉन्डिंग जो अपने मदर के साथ या अपने सासू माँ के साथ, वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है, पोस्ट मैरिज। और ट्रैवलिंग में आपको इंटरेस्ट जाग सकता है, या आप बहुत ट्रैवल करना शुरू कर सकते हो, इधर उधर जाना शुरू कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी आपकी। आप को खाना बनाने के प्रति या खाने के प्रति काफ़ी रुचि ज़्यादा बढ़ सकती है, या आप फूड रिलेटेड काम में भी अपना हाथ डाल सकते हो विद टाइम, ठीक है। चंद्रमा हम साइकिक एनर्जी से भी या साइकोलॉजी से हम रिलेट करते हैं, तो मे बी साइकोलॉजी फील्ड्स में आपकी पढ़ाई करना या आपका खुद से इंटरेस्ट जाग सकता है, ठीक है। और अगर आप पढ़ें, बुक्स पढ़ें या रिसर्च करें साइकोलॉजी लेके, तो आप खुद को भी मेंटली स्ट्रांग रख पाओगे और अपने आसपास के लोगों को भी। तो साइकोलॉजी भी एक अच्छा फील्ड है आपके लिए, विद टाइम आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। रिसोर्सेज आपके पास पोस्ट मैरिज काफ़ी आ सकती है, ठीक है, तो अच्छे घर में आपके मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। बट यही है, चंद्रमा को हम मूड स्विंग्स के साथ जैसे वो करते हैं, तो उतार चढ़ाव भी आपकी ज़िंदगी में पोस्ट मैरिज काफ़ी आएंगे, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। बट आपको शायद ही किसी चीज़ की कमी हो, अगर मून बहुत ज़्यादा डैमेज होता अलग बात है, ठीक है। बट थोड़ा सा मैरिज में स्टेबिलिटी के लिए भी आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी विद चंद्रमा जो कर्क लगन अगर आपके नवमसा में है, क्योंकि क्या होता है कि आपके मूड स्विंग्स की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन बढ़ सकती है और उस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। मेंटल एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और इवन फिज़िकल एक्सरसाइज, जिससे ऑक्सीजन की लेवल आपके शरीर में बढ़ती रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पोस्ट मैरिज या यंग एज से ही शुरू कर दो, नवमसा लगना तुम्हारे जब से हम जन्मे हैं तब से हैं। बट येस, विद टाइम यू विल सी, या जो भी हिडन चीज़ें थी जो कर्क लगन से रिलेटेड होती है, जो नेचुरली हम D1 में देखते हैं, वो विद टाइम आप में दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आशा है वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ और मस्त रहिए, खुश रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। ठीक।